जहां पूर्व सीएम शिवराज सिंह चौहान आज रायपुर में छत्तीसगढ़ में चल रहे सदस्यता अभियान की समीक्षा करेंगे। राष्ट्रीय सदस्यता अभियान के प्रभारी ने शिवराज लगभग सुबह 10 बजे रायपुर पहुंचेंगे। शिवराज सदस्यता अभियान प्रभारियों की बैठक लेंगे। सम्मान समारोह कार्यक्रम में शामिल होंगे। दलित बस्ती गोंदवारा भी जाएंगे। शिवराज सिंह चौहान दलित बस्ती में 1000 लोग शिवराज सिंह चौहान के सामने सदस्यता लेंगे। तो सदस्यता अभियान को देखते हुए पूर्व मुख्यमंत्री मध्य प्रदेश के शिवराज सिंह चौहान छत्तीसगढ़ पहुंच रहे हैं। रायपुर में आज उनका आगमन है। लाइव हमारे साथ स्वराज समाता हेमंत शर्मा जुड़े हुए हैं। हेमंत, जैसे कि पूर्व मुख्यमंत्री मध्य प्रदेश के शिवराज सिंह चौहान छत्तीसगढ़ के दौरे पर हैं, तो उनका दौरा कितना खास रहने वाला है? और दूसरी चीज, जिस मकसद से वो वहां पहुंच रहे हैं यानी सदस्यता अभियान, वो कितना खास रहने वाला है? देखिए पुष्पा, छत्तीसगढ़ में सदस्यता अभियान को लेकर बीजेपी जोर से जुटी हुई है। कुछ दिन पहले ही युवा मोर्चा की बैठक लेकर तमाम जो भाजपा के दिग्गज नेता हैं, उन्होंने कहा था कि जल्द ही जो टारगेट दिया गया है वो पूरा किया जाए। तो आज जो राष्ट्रीय सदस्यता अभियान के प्रभारी और मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, वो आज राजधानी रायपुर पहुंच रहे हैं। लगभग 10 बजे के आसपास वो राजधानी रायपुर पहुंचेंगे और इसके बाद सीधे जो प्रदेश कार्यालय है कुशाभाऊ ठाकरे परिसर, वहां पर पहुंचकर लगभग 2 घंटे तक जो राष्ट्रीय सदस्यता अभियान जो प्रभारी हैं छत्तीसगढ़ में, उनकी वो बैठक लेंगे और उस बैठक में सदस्यता अभियान को लेकर समीक्षा भी वो करते नजर आएंगे। अगर कोई खामी सदस्यता अभियान में नजर आती है तो वो सुधारने की भी वो निर्देश देते नजर आएंगे। इसके अलावा उनके अगर कार्यक्रम की बात की जाए तो बैठक के बाद वो सीधा एकात्म परिसर पहुंचेंगे और एकात्म परिसर में जो जनसंघ के कार्यकर्ता हैं उनसे मुलाकात कर सम्मान समारोह में शामिल होंगे। इसके अलावा सबसे महत्वपूर्ण जो उनका है वो जो दलित बस्ती है राजधानी रायपुर में गोंदवारा, वहां जाएंगे, वहां पर वो भोजन भी कर सकते हैं। इसके अलावा जो दलित बस्ती के लोग हैं, 1000 लोग हैं, वो शिवराज सिंह चौहान के समक्ष सदस्यता भी ग्रहण करेंगे। तो दिन भर का उनका कार्यक्रम रहेगा, वो काफी महत्वपूर्ण है क्योंकि राष्ट्रीय सदस्यता अभियान के वो प्रभारी हैं और पहले से ही इसको लेकर सदस्यता अभियान को लेकर जोर शोर से जो बीजेपी है वो छत्तीसगढ़ में जुटी हुई है। तो सदस्यता अभियान को लेकर दिशा निर्देश वो दे सकते हैं और जल्द ही जो टारगेट छत्तीसगढ़ में मिला है उसको पूरा करने की भी वो बात वहां पर कार्यकर्ताओं से करेंगे। जी, क्योंकि इस सदस्यता अभियान को भव्य बनाने के लिए, जैसा कि पूर्व मुख्यमंत्री लगभग 1000 सदस्यों को सदस्यता दिलाएंगे बीजेपी की, लेकिन इस कार्यक्रम में और कौन कौन मौजूद रहने वाला है? देखिए, इस कार्यक्रम में उनके साथ जो प्रदेश अध्यक्ष हैं बीजेपी के विक्रम चंडी, नेता प्रतिपक्ष धर्मलाल कौशिक सहित जो संगठन महामंत्री हैं पवन साय, ये सभी दिग्गज नेता शामिल हो सकते हैं। हालांकि जो पूर्व मुख्यमंत्री हैं छत्तीसगढ़ के, वो भी उसमें शामिल हो सकते हैं, लेकिन उनके अभी शामिल होने का जो कार्यक्रम है वो स्पष्ट नहीं है। लेकिन ये उम्मीद जताई जा रही है कि भाजपा के सभी दिग्गज नेता उनके साथ मौजूद रहे, क्योंकि सदस्यता अभियान की समीक्षा होगी और सभी से एक रायशुमारी की जाएगी, तो ऐसे में उनका रहना आवश्यक होगा। हालांकि विधानसभा का भी सत्र चल रहा है तो ऐसे में व्यस्तता के चलते ऐसा हो पाए, ऐसा संभव होता दिखाई नहीं दे रहा है, लेकिन फिर भी उम्मीद जताई जा रही है कि डॉक्टर रमन सिंह इस कार्यक्रम में उनके साथ मौजूद रहे। चलिए, बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए हेमंत। और अब खबर कर्नाटक से। दरअसल करना